जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक प्रदेश के सिंचाई व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीडीओ अनुज सिंह, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, बीएन सिंह, जिला दिव्यांग अधिकारी मीनू सिंह, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में दो मुख्य बिंदु हैं, एक विकास तथा दूसरा सुरक्षा। इन दोनों बिंदुओं पर सरकार बहुत ही संवेदनशील है और लोगों को अच्छी सड़क, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना मुख्य उद्देश्य है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही छामिया नहीं होगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि शीघ्र वर्ष 2018 समाप्त हो जाएगा। सभी अधिकारी किए गए कार्यों की स्वयं समीक्षा करें तथा ये देखें कि कहां पर कमियां थीं और उसको दूर कर विकास कार्यों में तेजी से कराएं। उन्होंने विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड दिलाया जाए तथा चिकित्सकों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित की जाए और एम्बुलेंस सेवाओं का रिस्पॉन्स टाइम 20 मिनट से घटाकर 15 मिनट किया जाए। थाना समाधान दिवस तथा तहसील समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में बायोमेट्रिक से खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मंत्री जी ने धान खरीद, खाद बीज की उपलब्धता, एक जिला एक उत्पाद आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। स्वागत करता हूँ और सर आपकी अनुमति से अब इस बैठक को शुरुआत करनी चाहूंगा। सर्वप्रथम अनुपालन पे चर्चा करेंगे। एक एक करके जो विभाग है उनका मैं नाम लूंगा। आपकी अनुपालन आखिर आदि क्या क्या उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना में सर के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी तरह ना बरता जाए। नी का ट्रांसप्लांट भी हुआ है और दो हार्ट के केसेस हुए हैं, सर्जरीज बहुत सारी हुई हैं, ना केवल सर प्राइवेट में बल्कि हमारे जितने चिकित्सालय इम्पैनल हैं, महिला पुरुष और हमारे 9 सीएससीज, उनमें भी सबने, पुरुष में अभी 18 केस हो गए हैं, महिला में 12 केस हो गए हैं सर, और पीएससीज पे भी 2-3 केसेस हुए हैं। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रति परिवार, 1,87,000 परिवार। अपना गोल्डन कार्ड के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, वो पत्र ले आते हैं और उसमें एक बारकोड है जिससे हम बारकोड रीडर से रीड करके इमीडिएटली उनको इंपैनल हॉस्पिटल में हो चाहे हमारे हॉस्पिटल में वो हो जाते हैं। आपको कितने कार्ड देने वितरित करने थे सर? वही उतने जितने आए थे, 187। वैसे तो 3 लाख आने चाहिए थे सर, लेकिन हमने लिख के भेजा है कि बाकी कार्ड क्यों नहीं आए, तो वहाँ से बताया गया कि बहुत सारा इसमें आया है कि उसमें हम लोगों ने फीडिंग कोड नंबर डाली है, यानी 3 लाख हम लोगों ने लूट किया था भारत सरकार की वेबसाइट पर। बाकी क्यों नहीं आए वो सर लिखा है हमने, तो अभी टेलीफोनिक बात हुई थी तो इसका परीक्षण करा दें। माननीय योगी जी भी, अपने मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत विशेष बल देते हैं। 2018 की समीक्षा बैठक आखिरी और 2019 में आने में मात्र एक दिन बीच में है, तो हमारी ओर से आप सभी को 2019 का आने वाला वर्ष खुशियों भरा हो, बहुत अच्छा व्यतीत हो। और 2018 से हम समीक्षा में 2018 के कार्य से हम कुछ सीखने का भी काम करें कि 2018 में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ शिथिलता रही और उस शिथिलता को जरूर पहचाने। देखिए, कोई पूर्ण नहीं होता, पूर्ण करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने ही पड़ते हैं। पहले लक्ष्य निर्धारित करना, फिर उसके लक्ष्य के अनुसार, लक्ष्य के सापेक्ष प्रयास करना। तो आज की बैठक में हमने 2018 में
क्या अपना लक्ष्य जितना निर्धारित था पूरा किया, और पूरा नहीं कर पाए तो क्या कारण रहे, अपने तरफ से प्रयासों में कमी रही, या सहयोगियों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाया, या अन्य किसी स्तर पर कैसी भी कोई कठिनाई रही। तो ये प्रभारी मंत्री होने के नाते सभी विभागीय अधिकारियों से मेरा विशेष आग्रह कि लक्ष्य को निर्धारित किया जाए और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गोरखपुर जनपद सभी 75 जिलों में श्रेष्ठ जनपद आवे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सांसद रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो हर दृष्टि से कुछ ठीक ठाक रहे